Hello students, a very warm welcome to all of you once again in this video of Mizu Study Video Classes. Same type of introduction, same type of warm welcome. Fine. So come back over here. Everything is mentioned. What exactly we are going to discuss today? So here I am cleaning this green board, making it more green for you. And today's topic, as it is mentioned, we are going to discuss some good questions based upon your JE Main Pattern Exam. Fine. वेल टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर जेई मेन्स एग्जाम थ्री मिनट्स ऑन एन एवरेज यू आर गेटिंग फॉर ईच क्वेश्चन सो वो थोड़ा सा हम लोग कोशिश करेंगे कि फास्ट मोड में सीखें बिकॉज फ्यू क्वेश्चन में टेक सम मोर टाइम फ्यू में बी लेस टाइम आज ये पहली एक्सरसाइज है देयर फोर आई एम पिकिंग सम फंडामेंटल एंड रिलेटिवली ईजी क्वेश्चन फाइन ईजी और ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन एज सच आई डोंट थिंक आई प्लेस डैनी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो सो हियर वन बाई वन आई एम स्टार्टिंग एंड टूडेज क्वेश्चन वेरी केयरफुली आई सेलेक्टेड दूस आर बेस्ड अपॉन द यू कैन से वेरी फंडामेंटल आस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर जहां पर मैं कई बार आपसे फॉर्मूले का डिस्कशन कर रहा हूँ या तो कोई डायग्राम होगा उसके बारे में हम लोग एनालाइज करेंगे या कोई बेसिक कॉन्सेप्ट uh, होगा ठीक है सो लेट्स स्टार्ट पहला क्वेश्चन ही आपको ना एक प्रोसेस जिससे हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट लॉ को डी क्यू विजिकल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू में आइसोथर्मल है एडियाबेटिक है आइसोकोरिक है आइसोबेरिक है साइक्लिक है लाइक दैट ठीक है तो मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट ले रहा हूं कि फॉर द आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ गैस आइसोथर्मल का मतलब क्या हो गया कि जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट रहने वाला है ठीक ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट इन चार में से तीन स्टेटमेंट करेक्ट हैं लेकिन कोई एक स्टेटमेंट जो है वो गलत है मुझे वो गलत स्टेटमेंट पता करना है तो हम क्यों स्टेटमेंट पढ़ें हम सबसे पहले क्वेश्चन को अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे एनालाइज करते हैं तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब हो गया भूल जाइए मुझे कुछ नहीं पता मैं सिंपल सा फॉर्मूला लिख रहा हूं डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू मैंने लिख लिया टी डी एस इज इक्वल टू म्यू सी वी डेल्टा टी प्लस पी डी वी अब हम लोग अपना एनालाइज करते हैं मैं हट जाता हूं यहां से चलिए आइसोथर्मल का मतलब हो गया कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा ठीक है तो ये सब खत्म मतलब ये जो है ये जीरो है और अगर ऐसा है तो क्या मैं ये कह सकता हूं डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू के है तो देखिए डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू ये तो करेक्ट है ठीक तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हुआ मतलब ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है चलिए दूसरा देखते हैं डी डे डी यू इज इक्वल टू जीरो बी वाला हाँ ठीक है ये बात भी करेक्ट है अच्छा ए वाला देखिए वो क्या कह रहा है कि चेंज इन टेम्परेचर जीरो होना चाहिए होना भी चाहिए आइसोथर्मल प्रोसेस है तो अपने आप ये चीज जो है यह गलत स्टेटमेंट है आइसोथर्मल में एक्सपेंशन के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ठीक तो हीट एनर्जी जीरो नहीं हो सकती है ओके इट शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो तो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा कि भाई इस क्वेश्चन के हिसाब से जो सही मुझे मार्क करना है वो सी ऑप्शन होगा ठीक ये <coughs> ऐसे करके आप इसको एनालाइज करोगे अब देखो जब फर्स्ट लॉ हम शुरू करेंगे कई बार करेंगे तो फर्स्ट लॉ फिर हमारी टिप्स पे आ जाएगा और उसके बाद में मान लीजिए कहीं भी हमें इसको एनालाइज करना है तो हमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी फाइन द रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ पीबी ग्राफ्स ऑफ एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल चेंजेस याद करिए जब मैंने इसको एक्सप्लेन किया था तो दोनों ग्राफ बनाए थे और तब मैंने कहा था कि एडियाबेटिक ग्राफ जो है वो स्टीपर होगा कंपेरेटिवली टू आइसोथर्मल मैंने वहाँ पे तीन ग्राफ आपको उस वीडियो में समझाए हुए हैं तो अगर आप उसको एनालाइज कर सको ठीक है ना तो उस वीडियो के बेसिस पे आप एक सेकंड में इसका आंसर बता दोगे मैं यहाँ पे सिंपली लिख दे रहा हूं देखिए स्लोप जो हम लोग लेते हैं ठीक है ना तो स्लोप मैं वो पूरी प्रोसेस नहीं बता रहा हूं मैं सिंपली आइडिया है कि आप लोगों ने रिवाइज़ किया होगा ऐसा मेरा मानना है तो इसलिए मैं ये स्लोप की बात है अब अगर आइसोथर्मल है तो स्लोप ये होगी और अगर एडियाबेटिक है तो याद करिए ज़्यादा स्टीपर अगर है तो भाई ये स्लोप हो जाती है इतनी ठीक ये गामा है और ये वी है ध्यान रखिएगा कन्फ्यूज़ मत करिएगा ये मिस्टर गामा है तो गामा की वैल्यू आपको पता है मोनो डाई और पॉलीएटॉमिक के लिए हमेशा एक से तो ज्यादा ही होगी 1.33 1.41 1.66 के आसपास होगी तो इसका मतलब है कि एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा होगा और कितना टाइम्स ज्यादा होगा ठीक यहां पे मैंने आपको यह भी बताया हुआ है कि डाई ट्राई और सॉरी मोनो डाई और पॉली का कर्व एडियाबेटिक के लिए कैसा कैसा होगा अगर मैंने वहाँ पे तीन कर्व दिए हैं आप देखिएगा वीडियो में तो उसमें से कौन सा मोनो का है कौन सा डाई का है कौन सा पॉली का है, तो ध्यान रखिएगा मोनो का गामा ज़्यादा होगा तो ज़्यादा स्टीपर कर्व आएगा आपका पॉली का गामा की वैल्यू कम हो जाएगी तो ये होगा कंपेरेटिवली टू तो वहां पे उस वीडियो में मैंने ये कुछ फैक्ट्स मेंशन किए हुए हैं आप लोग प्लीज उसको थोड़ा सा रिवाइज करिएगा और बच्चों ये बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है अचानक से तीन चार डिफिकल्ट क्वेश्चन के बीच में ये एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन रख दिया जाता है आप डिफिकल्ट क्वेश्चन का इनर्शिया लेके चलते रहते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ इनर्शिया है ना आपको लगता है कि अरे ये भी बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है और फिर आप उसमें अननेसेसरली लॉजिक लगा के उसको भी गलत कर देते हो तो हमें ऐसा नहीं करना वी हैव टू सेव आर सेल्फ फ्रॉम दिस टाइप ऑफ इनर्शिया चेंज करते रहना है इनर्शिया क्वेश्चन के मेरिट uh, के बेसिस पे लेट्स कम फॉर द क्वेश्चन नंबर थ्री एक मोनोअटोमिक आइडियल गैस है सत्ताईस डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर है सडनली इसको हम लोग कंप्रेस कर देते हैं इसके ओरिजिनल वॉल्यूम का वन कंप्रेशन के बाद इसका टेम्परेचर क्या होगा अब इस में जो है, वो है suddenly suddenly का मतलब हो गया कि ये एडियाबेटिक प्रोसेस है और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आपका पीवी टीवी और टीपी की रिलेशन आपको पता है पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट TV की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऐसे टाइप के रिलेशन होते हैं हमारे पास में तो यहां पे हम लोगों को जो रिलेशन यूज करनी है वो देखिए इस तरीके से आएगी ठीक है टी वन बराबर है 300 हंड्रेड कैलविन है ना ठीक और ये प्रोसेस मैं यहां लिख दे रहा हूं सडन Sudden. अगर ये वर्ड है तो ये प्रोसेस एडियाबेटिक है सडनली कंप्रेस की जाए या सडनली आपकी एक्सपेंड की जाए ठीक अभी कह रहा है कि टेम्परेचर निकालना है तो टी टू मुझे पता नहीं क्या है अच्छा मान लीजिए वी है तो वी टू जो है वो वी बाई टेन है वो बाई टेन है. है ना तो वी टू मतलब हो गया वी बाई टेन ठीक अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे अपना जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है तीन रिजल्ट ध्यान रखने पावर गामा पी की पावर अपॉन पी टू द पावर गामा माइनस वन ठीक तो ये तीन रिलेशन मुझे ध्यान रखने हैं तो बाय यूजिंग मैं कुछ कैलकुलेशन वगैरह करके आपको परेशान नहीं कर रहा हूं आप जेई की तैयारी कर रहे हो कैलकुलेशन वगैरह बहुत आसान चीजें हैं बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट ठीक हमने इसको सॉल्व कर लिया और हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा मोनो ऑटोमिक है तो गामा की वैल्यू मोनोअटोमिक के लिए कितनी होती है न याद आए तो वन प्लस टू बाई एफ रखिएगा एफ मोनो के लिए कितना हो गया थ्री हो गया तो थ्री प्लस टू फाइव बाई थ्री इस तरीके से प्लीज अगर गामा की वैल्यू याद आए तो यह वाला फॉर्मूला सोच लीजिएगा और डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ जो है मोनो के लिए तीन होती है वैल्यूज रख लीजिएगा ठीक चलिए बाई यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट हम जब सॉल्व करेंगे एंड सॉल्विंग ठीक है T2 मुझे मिलेगा वन थ्री नाइन टू कैल तो ये बिल्कुल एक बहुत ही फंडामेंटल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है कैलकुलेशन आपको सिंप्लीफाइड करनी है प्रैक्टिस करनी है क्योंकि नॉर्मली आप लोग क्या होता है कि कई बार इजी क्वेश्चन की कैलकुलेशन में बहुत टाइम ख़राब हो जाता है आपके ऊपर प्रेशर आता है और आप छोटे छोटे इजी क्वेश्चन भी गलत करने लगते हो तो उसके लिए मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा कैलकुलेशन आप अपने से फास्ट कैलकुलेशन करने की प्रैक्टिस करो खास करके मॉडर्न फिजिक्स में आप देखो बहुत लॉन्ग लॉन्ग वैल्यूज होती हैं नाइन पॉइंट वन इंटू टेन टू दर माइनस थर्टी वन मल्टीप्लाइड बाईन टू द पार माइनस नाइनटीन डिवाइडेड बाई द वैल्यू ऑफ एच लाइक टेन टू दाइनस थर्टी फोर एंड सो वन सो फोर्थ फाइन तो ये सारी uh, जो वैल्यूज हैं जो टर्म्स हैं इनको कैसे हम लोग इजिली सॉल्व करें क्विकली सॉल्व करें वो प्रैक्टिस तो भाई करनी पड़ेगी <laughs> क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है ऑनलाइन एग्जाम है ठीक है तो भाई थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज़ हैं पिछले साल जिन लोगों ने दिया होगा तो उन्हें एक आइडिया हो गया होगा लेकिन अगर आप फ्रेश देने जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको शुरू में थोड़ा दिक्कत आएगी सो लेट्स कम क्वेश्चन नंबर फोर ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस मैंने एम्फेसाइज़ किया है ज़्यादा एडियाबेटिक प्रोसेस पे क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में ही कैलकुलेशंस थोड़ी सी लंबी आती हैं है ना जहाँ गामा की वैल्यू पावर में आ जाती है वो थोड़ा अब मान लीजिए डायटॉमिक है डायटॉमिक के लिए गामा 1.4 के करीब होता है उसको कैलकुलेशन सिंप्लीफाइड करने के लिए आप 1.5 ले सकते हो और 1.5 का मतलब हो गया आ, मतलब एक रूट और एक पावर वन या आप इसको 3 बाई टू भी लिख सकते हो तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा ना ट्रिक्स भी सीखनी चाहिए कि कैसे हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं आइए if the pressure of an ideal gas is proportional to the cube of its temperature find the ratio of gamma ठीक एक्चुअली आपको एक इक्वेशन बनानी है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट गिवन ओवर हियर जहां पे ये स्टेटमेंट जो गिवन है इसको आइडियल मानते हुए इसको एक आधार मानते हुए बेस मानते हुए आपको ये जो है सॉल्व करना है ठीक तो चलिए भाई यहां का स्पेस में टच नहीं करूंगा ये वाला स्पेस में टच करता हूं वही फॉर्मूला मैं लिखने चल रहा हूं t की पावर गामा p की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इन तीन रिलेशन में एक रिलेशन मेरे पास यह भी है ठीक तो क्या मैं यहां से यह कह सकता हूं कि p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर गामा अपॉन गामा माइनस वन ठीक आइए यहां देखते हैं प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स इट्सरेचर क्वेश्चन ये कह रहा है कि पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब ऐसा क्वेश्चन में कहा गया मैं कोई आपको नई रिलेशन नहीं सिखा रहा हूं तो अगर मैं इक्वेशन एक और दो को कंपेयर कर दूं तो मुझे साफ साफ मिल रहा है कि गामा अपॉन गामा माइनस वन इज इक्वल टू थ्री ठीक अब इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है भाई गामा इज इक्वल टू थ्री गामा माइनस थ्री इसको इधर ले आइए इसको उधर ले जाइए तो मैं यहां लिख देता हूं तो आपको मिलेगा गामा इज इक्वल टू थ्री बाई टू जैसा क्वेश्चन में कहा गया हमने सिर्फ वही किया और इस तरीके से बी इज माय करेक्ट ऑप्शन ठीक है ये आपका आ, वो है ये करेक्ट ऑप्शन है और ये आपकी अप्रोच है इसको मुझे याद रखना चाहिए पी की पावर गामा मुझे याद रखना चाहिए गामा के लिए वो रिलेशन जो मैंने लिखी थी अभी वो मुझे थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी सो ऑल दीज थिंग्स आर नॉट सो डिफिकल्ट और वैसे भी ना हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स एक बड़ी ही मज़ेदार इजी और मैक्सिमम मार्क्स स्कोरिंग आपकी ब्रांच है फिजिक्स में आप काफ़ी सारा इसमें श्योरिटी के साथ कंपनसेट कर सकते हो जैसे कि मान लीजिए हम लोग देखें वेब्स को

अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को मुझे डी करना है ठीक है बाई वॉट परसेंटेज प्रेशर जो है आ, उसको अगर हम इंक्रीज करें जिससे कि वॉल्यूम में जो डिक्रीज है वो कंपनसेट हो जाए एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस ठीक तो कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब हो गया <coughs> सॉरी कांस्टेंट टेम्परेचर इसका मतलब हो गया आइसोथर्मल ठीक अच्छा आइसोथर्मल है तो मेरे पास में पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है तो ये तो हो गई हमारी बेसिक अप्रोच जो हम लगाने चलेंगे अच्छा अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से As per problem, V new मैं इसको V2 भी लिख सकता था बट मुझे लगता है ये ज्यादा आसान होगा आपके लिए समझना तो V new है बच्चों 90 अपॉन हंड्रेड क्यों भाई 10% परसेंट घट गया ना शुड बी प्रेशर ऑफ अ टेन परसेंट ठीक अच्छा अब अगर हम इसको यूज करें तो जो P होगा मेरा वो हो जाएगा 100 बाई टेन 10. ठीक एक बढ़ेगा तो एक घटेगा तो अब यहां से ये वैल्यू मैं यहां रख देता हूं तो P हो गया 100 बाई टेन ठीक है आइए अब जरा परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं तो परसेंटेज इंक्रीज इज कितना होगा भाई ये आ जाएगा 100 माइनस नाइंटी सॉरी अपॉन नाइंटी इंटू हंड्रेड ये इससे कैंसिल हो गया ये दस हो गया थाउजेंड माइनस नाइन हंड्रेड ये हो गया आपका कितना हंड्रेड अपॉन नाइन तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मुझे देगा रफली अलेवन पॉइंट वन परसेंट अलेवन पॉइंट ये रहा आपका आंसर ठीक है तो ये भी कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है आ, बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा कई बारी बहुत बेसिक कैलकुलेशन आप गलत कर देते हो और वो आप जानबूझ के नहीं करते हो वो बस हो जाती है गलत और फिर आपको बहुत दुख होता है कि बताओ ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी मैंने गलत कर दिया ठीक है आइए आगे चलें क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें एक तरीके से ये कैरनॉट साइकिल है ठीक देखते हैं क्या है इसके ऊपर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन द इंडिकेटर डाइग्राम T A, T B, T C, T D आर टेम्परेचर ऑफ़ द गैस एट A B C D मैं इसको ना यहाँ पॉइंट पे ही रखना चाह रहा था बट जब स्टेटमेंट लिखा रहता है तो आप लोगों को थोड़ा पढ़ना अच्छा लगता है इसलिए मैंने रख दिया लेकिन अब मैं वैल्यूज़ को यहाँ पे रख लेता हूँ तो ये हो गया मेरा टी ए ये हो गया टी बी ये हो गया मेरा टी सी और ये हो गया टी डी ठीक अब करेक्ट रिलेशन टी ए टी बी टी सी और टी डी में क्या होगी मुझे कुछ नहीं मालूम मैं चलता हूं अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैन नॉट साइकिल पे तो वहाँ मैंने कहा कि ये हुआ करता था आइसोथर्मल एक्सपेंशन अच्छा ये हुआ करता था एडियाबेटिक एक्सपेंशन फिर ये हुआ करता था आइसोथर्मल कंप्रेशन और फिर ये हुआ करता था एडियाबेटिक कंप्रेशन तो अब हम लोग जरा देखते हैं कि कौन हमारी इन कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो टी ए टी बी के बराबर होना चाहिए क्योंकि ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है टी ए टीबी के बराबर होना चाहिए ऐसा मुझे या तो ए कह रहा है या बी कह रहा है सॉरी सी कह रहा है तो बी और डी तो खैर मतलब ही नहीं बनता है ठीक है तो अब आइदर सी है या ए है आगे बढ़ते हैं टी बी जो है टी सी के बराबर होगा अच्छा टी बी टी सी के बराबर होगा अब चलते हैं सी से डी तक तो सी से डी तक आइसोथर्मल कंप्रेशन है ओके एंड देन हम लोग चलते हैं डी से ए तक जो कि एडियाबेटिक कंप्रेशन है तो टी डी और टी सी एक दूसरे के बराबर होना चाहिए क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आइसोथर्मल है इसमें जो ये कहा गया है ना कि टीवी टी सी के बराबर होगा मुझे नहीं पता नहीं होगा क्योंकि एक आइसोथर्मल है दूसरा एडियाबेटिक है ठीक है और एडियाबेटिक एक्सपेंशन में कूलिंग होती है एडियाबेटिक कंप्रेशन में हीटिंग होती है क्योंकि हीट एनर्जी को हम एक्सचेंज नहीं होने देते हैं तो इसलिए इस लॉजिक के बेसिस पे अगर हम देखें तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन जिस वक्त पे हम लोग कैरनाट साइकिल डिस्कस करते हैं पूरा डायग्राम बनाते हैं यहां लिखते हैं यहां लिखते हैं यहां लिखते हैं, यहां लिखते, हैं यहां लिखते हैं कि क्या क्या हो रहा है और वहां पे, इस, 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 इस पे हम लोगों ने पी वी और टी के वैल्यूज रखे हुए हैं देखिएगा डायग्राम उसमें ये वीडियोस में बना हुआ है तो ये डायरेक्टली मैंने वहीं से उठाया आप लोगों का मेंटेलिटी रहता है डायग्राम बना है वैल्यूज लिखी हैं ठीक है हुआ करें मुझे क्या मेरा पॉइंट है कि नहीं उसको आपने क्लोजली ऑब्जर्व करना है क्योंकि भाई क्वेश्चन उठेगा तो कहीं ना कहीं ऐसे कॉन्सेप्ट से ही तो एग्जामिनर क्वेश्चन को उठाएगा ठीक है नाउ लेट्स कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर सेवन बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट क्लॉकवाइज हो तो cyclic process में में हो तो cyclic process में work done negative. ये हम लोगों ने बेसिक फैक्ट पढ़ा हुआ है ठीक है साइक्लिक प्रोसेस है साइक्लिक अच्छा जैसे ही प्रोसेस दिखे तो सबसे पहले जो कुछ पता है ना उसको थोड़ा मन ही मन रिवाइज कर डालिए जैसे कि मान लीजिए इसमें प्रोसेस दिख रही मुझे साइक्लिक तो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब हो गया कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर जीरो होगी तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू में डी यू हो गया जीरो तो ऐसा नहीं है कि हर स्टेप पे जो है इंटरनल एनर्जी जीरो है नहीं टोटल चेंज नहीं होगा अच्छा और ये फिर हीट एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी वर्क डन के बराबर हो जाएगी ओके अगर क्लॉकवाइज वाइज है तो पॉजिटिव वर्क डन है एंटी क्लॉकवाइज है तो निगेटिव वर्क डन है अब जरा उस लॉजिक को लगाते हैं इंडिकेटर डायग्राम पे जब हमने चेक किया तो जिसका एरिया ज्यादा था वो तो मुझे सामने से देखने पे दिखा कि ये तो है क्लॉकवाइज नंबर दो जो है भाई क्लॉकवाइज तो ये पॉजिटिव वर्क डन हो गया और नंबर एक जो है वो है एंटी क्लॉकवाइज अब ये एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन निगेटिव हो गया लेकिन एक बात आपको साफ दिख रही है कि एरिया ऑफ दिस इज मोर देन एरिया ऑफ दिस तो इसमें से जब मैं इसको uh, मतलब कर लूंगा तो भी जो मुझे मिलेगा वो पॉजिटिव ही मिलेगा तो वर्क uh, डन जो है वो पॉजिटिव आएगा वाई बिकॉज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट इज मोर एरिया सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल फंडामेंटल <coughs> चले आगे द पावर रेडिएटेड बाई अ ब्लैक बॉडी इज पी ओके हीट की गई है ऐसे विजुलाइज करिए ये एक बॉडी थी हीट कर दिया गया ये पावर रेडिएट कर रही है पी एंड इट रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी अराउंड द वेवलेंथ लेडा नॉट इफ द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इज नाउ चेंज सो दैट इट रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी अराउंड द वेव लेंथ थ्री लैमडा बाई फोर तो पावर रेडिएटेड कितना इंक्रीज कर जाएगी कितने फैक्टर से इंक्रीज कर जाएगी ठीक है क्वेश्चन कोई बहुत मुश्किल नहीं है और हमारी जो अप्रोच इसमें लगने वाली है वो एक फॉर्मूले से लगने वाली है दैट इज लैमडा एम टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये भाई क्या है ये है हमारा फॉर्मूला वेंस ठीक तो ये फॉर्मूला हम लोग दो बार यूज करते हैं फाइन कैसे आइए देखते हैं मैं थोड़ा सा ना इस तरफ आ जाता हूं हालांकि अगर ये पोर्शन थोड़ा छुप भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है लैमडा एम टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो मैंने लिखा तो इस पर्टिकुलर टर्म में मुझे इसे लिखना पड़ेगा सी ठीक क्योंकि दिया हुआ है इसलिए मैं लैमडा एम ना लिख के लैमडा नॉट लिख रहा हूं अच्छा इफ टी इज न्यू टेम्परेचर ओके आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू सो इफ टी इज न्यू टेम्परेचर तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं थ्री बाई फोर लैमडा नॉट इंटू टी इज इक्वल टू लैमडा नॉट टी नॉट ठीक अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये तो ये तो कैंसिल हो जाएगा तो भाई टी मुझे मिलेगा चार बटे तीन टी नॉट ओके आइए इस स्पेस को थोड़ा यूज कर लेते हैं जिससे कि इसके आसपास ही हम लोग आगे की बात कर सकें तो इस स्पेस को जब मैं यूज करना चाहता हूं तो मैं यहां लिख लेता हूं कि पी की पावर फोर इज इक्वल टू नहीं नहीं वैल्यू रखनी है ना चेंज हाँ गलत हो रहा है सी टी नॉट की पावर फोर इन टू दिस फोर बाई थ्री की पावर फोर ठीक इसमें जब मैं वैल्यूज रखूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा टू फिफ्टी सिक्स अपॉन एट्टी वन डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस पी इट इज नॉट प्रेशर बट इट इज रेडिएशन एनर्जी ठीक है तो ये हमारा आप सिंपली कह सकते हो वेंस का डिस्प्लेसमेंट लॉ लग गया इसमें नौ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर नाइन वन हाफ मोल ऑफ मोनोअटामिक आइडियल गैस ये यहां पे गैस है भाई एब्सॉर्ब वन टू जीरो जीरो जूल ऑफ हीट एनर्जी परफॉर्मिंग टू वन नाइन सिक्स जूल ऑफ वर्क द टेम्परेचर ऑफ द गैस चेंजेस बाई पहली बात तो ये कि जो बेसिक फार्मूला है मेरे पास सॉरी बेसिक लगाते हैं इस फॉर्मूले को मुझे यूज करना चाहिए ठीक है अब आप जरा क्वेश्चन में देखो तो डी क्यू गिवेन है वन हाफ मोल ऑफ आइडियल कैसे बारह सौ जूल ये तो भाई ये मुझे गिवेन है बारह सौ जूल और आपका वर्क गिवेन है टू वन नाइन सिक्स जूल अब अगर मैं डी यू निकालना चाहूं तो डी यू मुझे मिलेगा यहां लिख लेते हैं डी यू बराबर हो जाएगा वन टू जीरो जीरो माइनस टू वन नाइन सिक्स ठीक तो यहां पे मैं वैल्यूज अगर नोट करूं तो डी यू बराबर मुझे मिलेगा माइनस नाइन नाइन सिक्स जो फाइन अब मुझे पता है डी यू बराबर होता है म्यू सीवी डेल्टा टी अच्छा गैस कैसी है मोनोअटोमिक तो cv की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको फॉर्मूला आई होप याद होगा ठीक तो जब cv की वैल्यू मुझे निकालनी होगी तो फॉर मैं लिख देता हूं मोनोअटोमिक थ्री बाई टू आर ठीक इसको मल्टीप्लाई कर लें तो थ्री बाई टू इंटू एट पॉइंट थ्री वन आ जाएगा मेरे पास में तो डी यू में ये वैल्यू रख देता हूँ मैं ठीक है ना मुझे सॉल्व करना है डी टी ठीक तो डी यू में जब मैं ये वैल्यू रखूंगा तो ये मुझे मिलेगा डी यू अपॉन म्यू सी वी इसका वैल्यू आएगा और उसको हम एम के टर्म में भी लिख सकते हैं तो सीधे सीधे माइनस एक डिग्री सेंटीग्रेड आएगा आफ्टर सॉल्विंग सारे फार्मूले मैंने लिख दिए ऑलमोस्ट कैलकुलेशन भी कर दी इतना मुझे करना नहीं चाहिए था अदरवाइज फिर आप लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हो कि हमारे करने के लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं सारा कुछ बता दिया हम प्रैक्टिस कैसे करें तो भाई ऐसा भी कर सकते हो कि मैं क्वेश्चन एलोब्रेट कर दूं और वीडियो रोक दो अपने आप से ट्राई कर लो और फिर मैच कर लो कि हाँ भाई सही अप्रोच में जा रहे हो नहीं जा रहे हो आप है ना दैट इज वन मोड ऑफ कैलकुलेटिंग लेट्स मूव ऑन फॉर द क्वेश्चन नंबर टेन ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने आपकी मेमोरी के बेस पे रखा हुआ है कि हमें कितने फॉर्मूले याद रहते हैं थोड़ा डिफरेंट रिजल्ट है देखिएगा वर्क डन ऑफ वन फोर सिक्स किलो जूल इज परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू कंप्रेस वन किलो मोल ऑफ अ गैस एडियाबेटिकली गामा तो आएगा ना एंड इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ़ द गैस इंक्रीजेज बाई सेवन डिग्री सेंटीग्रेड आपको ये पता लगाना है कि एक्चुअली ये गैस है कौन सी तो सबसे पहले एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्कडन क्या है वो मुझे पता लग मतलब लिखना चाहिए क्योंकि कहा गया है ऐसा है ना तो मैं ये बाइफरकेशन कर देता हूँ इधर नहीं जाऊँगा इसी तरफ मैं रहूँगा तो आपको पता है कि ये हो जाता है W इज इक्वल टू एन आर टी वन माइनस टी अपॉन ये थोड़ा डिफरेंट कलर में यूज कर रहा हूं वन माइनस गामा ठीक बड़ा सा फॉर्मूला v नहीं है भाई गामा है अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा जो वैल्यूज मुझे गिवन है उनको रखते हुए w मुझे पता है फाइन इसका बाकी वन किलो मोल ऑफ गैस भी पता है तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज और हाँ T1 T2 जो है ना T1 वन माइनस टी वो सेवन डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा है सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज गामा माइनस वन इज इक्वल टू पॉइंट थ्री नाइन सॉल्व करिएगा वैल्यूज़ रख के ये आएगा तो गामा आएगा वन पॉइंट थ्री नाइन अब मुझे ये पता लगाना है कि ये मोनो है डाई है मिक्सचर है क्या है ट्राई है तो देखो मोनो के लिए जो गामा की वैल्यू होती है भाई वो होती है आपको पता है वन पॉइंट जो है वैल्यू अगर हम लेके जाएं गा इसकी गाम, गामा की तो वो आ जाती है वन पॉइंट सिक्स सेवन और डाई की हो जाती है वन पॉइंट फोर फोर के आसपास और फिर उसकी हो जाती है वन पॉइंट थ्री के आसपास तो उससे अगर हम देखें तो ये बेस्ट ऑप्शन जो मुझे फील होता है वो डाई एटॉमिक होना चाहिए बिकॉज इट इज़ अगर हम इसको एक पॉइंट तक लिख लें डेसिमल के पहली जगह तक तो ये मुझे 1.4 दे रहा है सीधा सीधा है ना अगर ये 9 न हो के 1.3, 2 इस टाइप से कुछ रहता तो फिर मैं इसको ट्राई एटॉमिक का नाम दे देता लेकिन यहाँ पे चूंकि ये इस टाइप से नंबर मुझे दे रहा है तो ये क्वेश्चन रखने का मेरा एक आइडिया ये था कि जब आप कैलकुलेशन करें तो इस बात का भी ध्यान रखें कि भाई जो नंबर्स आ रहे हैं इसीलिए आपको फिजिक्स में क्लास इलेवेंथ में सबसे पहले यही सब सिखाया जाता है है ना तो उस पॉइंट का अगर मैं यूटिलाइजेशन करूं तो नाइन है तो इसको मैं फिर यहां पे ये यह फोर हो जाएगा और अगर फोर हो गया तो इज द बेस्ट ऑप्शन तो बच्चों ये दस क्वेश्चन का एक छोटा सा सेट था जहां पर मैंने अपने आप को कन्फाइन रखा बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन के साथ में सो होप यू लाइक इट अपनी तरफ से भी कुछ क्वेश्चन इसके ट्राई करिएगा वेरी सुन आई विल कम बैक विद सम न्यू वीडियोज टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ हैव एन नाइस टाइम थैंक्स अलॉक